हेलो बच्चों फिल द फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है सो so बच्चों आज हम इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बोर्ड की एग्जाम में इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चों इसको याद करने के लिए मैं आपको एक सुपर ट्रिक दूंगा अगर आपने ये ट्रिक याद कर ली तो आपके दो मार्क्स पक्के और बच्चों इस टॉपिक के साथ साथ हम इस टॉपिक पर जो बढ़िया से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और बच्चों पे ये वीडियो की जो नोट्स होगी इसकी PDF फाइल इसे आप हमारी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं मिल जाएगी ओके तो चलो आइए हम शुरू करते हैं so तो यहाँ पे सिक्स कैरेक्टरिस्टिक है तो वन बाय वन इसे यहां पे हम डिस्कस करेंगे तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स सो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती है वो कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स होती है विदाउट एनी ब्रेक्स मतलब कि यहाँ पे बीच में कोई कट नहीं होता ये कंटिन्यूअस होती है सो so यहां पे है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स सो so, बच्चों यहाँ पे सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है द फील्ड लाइन्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्जिस एंड एंड एट नेगेटिव चार्जिज इफ देर इज अ सिंगल चार्ज देन द फील्ड लाइन्स विल स्टार्ट और एंड एट इन्फिनी सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास दो चार्जिज है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है सो so, बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज में से फील्ड लाइन स्टार्ट होती है एंड नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइन्स एंड होती है तो यहां पे द फील्ड लाइन स्टार्ट पॉजिटिव चार्जिस एंड एंड हैट नेगेटिव चार्जिस अब बच्चों यहां पे सेकेंड पार्ट में है इफ देर इज अ सिंगल चार्ज देन द फील्ड लाइन्स विल स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी तो यहां पे ये सिंगल चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है और इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में से फील्ड लाइन स्टार्ट करती है तो यहां से फील्ड लाइन स्टार्ट होती है और यह फील्ड लाइंस एंड होती है एट इन्फिनी तो जो पॉजिटिव चार्ज में से फील्ड लाइन स्टार्ट होती है वो एंड होती है इंफिनीटी पर एंड बच्चों ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के केस में जो फील्ड लाइन स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है इन्फिनी से एंड एंड होती है नेगेटिव चार्ज के अंदर तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज के केस में फील्ड लाइन स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज में से एंड एंड होती है इन्फिनिटी पर एंड नेगेटिव चार्ज के केस में इसका रिवर्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है इन्फिनिटी से एंड एंड होती है नेगेटिव चार्ज के अंदर सो so, यहाँ पे इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं द फील्ड लाइन्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्जिस एंड एंड एट नेगेटिव चार्जिस एंड इफ दर इज अ सिंगल चार्ज देन द फील्ड लाइंस विल स्टार्ट और एंड एट इन्फिनी तो यहाँ पे ये सिंगल चार्ज है तो इस केस में फील्ड लाइन्स एंड होती है इन्फिनी पर एंड इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है इन्फिनी से सो so नेक्स्ट है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप्स सो बच्चों जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स होती है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती तो इसको समझने के लिए यहां पे हम देख लेते हैं तो यहां पे दो चार्जिस है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज में से लीव करती है एंड नेगेटिव चार्ज में एंटर करती है तो बच्चों यहाँ पे आपको लगेगा कि सर यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप तो बनाती है लेकिन बच्चों ये क्लोज लूप नहीं बनाएगी क्लोज लूप तभी बनती है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए एंड वापिस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तो ये एक साइकिल बननी चाहिए फिल्ड की डायरेक्शन प्लस टू माइनस एंड माइनस टू प्लस अगर ऐसे होगी तभी ये क्लोज लूप बनाएगी लेकिन बच्चों यहां पे फील्ड की डायरेक्शन तो ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ ही होती है मतलब कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड लाइंस होती है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट सो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट जो बनाते हैं वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है सो so, यहां पे हमने तीन पॉइंट लिए पॉइंट पी पॉइंट क्यू एंड पॉइंट आर तो यहां पे पॉइंट पी पर हम टेंजेंट बनाते हैं इस डायरेक्शन में ये टेंजेंट होगा तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये होगी क्यू पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी एंड आर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी So, यहाँ पे है द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट तो कऊ पर जो पॉइंट्स होते हैं उस पॉइंट पर जो हम टेंजेंट बनाते हैं वो टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है नेक्स्ट है बच्चों नो टू फील्ड लाइन्स कैन क्रॉस ईच अदर सो बच्चों जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो कभी भी क्रॉस नहीं करेगी अगर वो क्रॉस करेगी तो क्या होगा वो हम देख लेते हैं तो यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो क्रॉस करती है और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है तो हमने प्रीवियस कैरेक्टरिस्टिक में देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर किसी भी पॉइंट पर जो हम टेंजेंट बनाते हैं वो टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देता है तो यहाँ पे बच्चों इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में टेंजेंट बनेगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में टेंजेंट बनेगा मतलब कि बच्चों इस पॉइंट पर हमें दो टेंजेंट मिले तो यहां पे हमें तो पर हमें दो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड की डायरेक्शन मिली तो बच्चों एक ही पॉइंट पर हमें दो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड की डायरेक्शन मिलती है जो पॉसिबल नहीं होता सो so, यहां पे हम देख लेते हैं इसका रीजन कि यहां पे जब ये दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती है सो इफ दे इंटरसेक्ट देन देर विल बी टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो यहां पे इस पॉइंट पर हमें दो टेंजेंट मिलते हैं एंड हेंस टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल तो यहां पे हमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है जो पॉसिबल नहीं है सो बच्चों लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इन एनी रीजन गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन द फील्ड लाइन्स आर close together in a strong field far apart in a weak field and parallel and equally spaced in a uniform field so bachcho yahan pe ye jo electric field line ka distribution hai wo hame electric field ki intensity ke bare mein batata hai so yahan pe ye non uniform electric field hai aur is non uniform electric field mein humne teen point le liye 1 2 and 3 is point par field intensity hai e1 इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी है ई टू एंड इस पॉइंट पर है ई थ्री तो बच्चों यहाँ पे ये जो फर्स्ट पॉइंट है इस फर्स्ट पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी एंड ये थर्ड पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी सबसे कम होगी क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के आसपास जो फील्ड है वो क्लोज है मतलब कि यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी एंड थर्ड पॉइंट के आसपास जो फील्ड है वो फार अपार्ट है मतलब कि यहाँ पे फील्ड वीक होगा सो so, यहाँ पे E1 जो है वो ग्रेटर देन E2 होगा एंड E2 जो है वो ग्रेटर देन E3 होगा मतलब कि यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी उससे कम यहाँ पे होगी एंड सबसे कम यहाँ पे होगी अब बच्चों यहाँ पे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फील्ड लाइन्स होती है वो पैरेलल होती है एंड इक्वल स्पेस होती है तो यहाँ पे ये फील्ड लाइन्स पैरेलल है एंड दो फील्ड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होना चाहिए तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सभी पॉइंट्स पर फील्ड इंटेंसिटी सेम होती है तो यहां पे हमने तीन पॉइंट ले लिए वन टू एंड थ्री तो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी सो तो यहाँ पे E1 वन इक्वल्स टू ई टू इक्वल्स टू ई सो यहाँ पे तीनों पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी सो so, बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक को याद करने के लिए मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है तो ये स्टेटमेंट आपको याद कर लेना है इंडिया स्टार्ट्स प्लेइंग नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट डेली विथ न्यू इंस्पिरेशन अगर बच्चों आपने ये याद कर लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको याद हो जाएगी तो यहाँ पर हम इसका मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं तो यहाँ पे इंडिया तो इंडिया में जो आई है इसका मतलब है इमेजनरी लाइन्स मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो इमेजनरी लाइन होती है तो इसे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की कैरेक्टरिस्टिक में ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट है स्टार्स प्लेइंग तो ये स्टार्स प्लेइंग का मतलब है स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज जो फील्ड लाइन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है एंड एंड होती है नेगेटिव चार्ज पर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट है नाइट क्रिकेट तो इसका मतलब है नेवर फॉर्म्स क्लोज लुप जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कभी क्लोज लुप नहीं बनाएगी नेक्स्ट है टूर्नामेंट डेली इसका मतलब है टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिवस दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सो बच्चो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर जो हम टेंजेंट बनाते हैं वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है तो ये टूर्नामेंट डेली का मतलब है टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लास्ट है विथ न्यू इंस्पिरेशन इसका मतलब यह है कि नेवर इंटरसेक्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी सो बच्चों यहां पे ये पांच कैरेक्टरिस्टिक बनी तो इसमें से आपको चार याद कर लेनी है अगर बोर्ड की एग्जाम में पूछते हैं तो आपको चार कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है दो मार्क्स में पूछते हैं तो इसमें से आपको चार लिखनी है चार याद कर लेनी है ओके okay बच्चों तो बच्चों अब हम यहाँ पे इस टॉपिक के रिलेटेड दो तीन एम सॉल्व करते हैं तो चलो आइए हम एम देखते हैं सो so बच्चों यहाँ पे पहला एम है द फिगर सो सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स करस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड द फिगर सजेस्ट दैट डैश सो बच्चों यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे तीन पॉइंट है पॉइंट ए पॉइंट बी एंड पॉइंट सी और यहाँ पे ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ए बी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी है ई बी एंड सी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी है ई सी तो यहां पे हमें ई ए बी एंड ई सी का जो रिलेशन है वो बताना है अब बच्चों यहां पे आप देखेंगे तो ए एंड सी जो पॉइंट है वहां पे फील्ड लाइंस क्लोजर है एंड बी पॉइंट पर फील्ड लाइंस फार अपार्ट है एंड ए एंड सी पॉइंट के आसपास जो फील्ड लाइंस है वो सिमेट्रिकल है मतलब कि ए एंड सी पॉइंट पर जो फील्ड लाइन्स है वो सेम है तो ए एंड सी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी हमें सेम मिलेगी एंड बी पॉइंट पर फील्ड लाइन्स फार अपार्ट है तो बी पॉइंट पर फील्ड हमें वीक मिलेगा तो यहाँ पे ई एक्वल टू ई सी होगा ए एंड सी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी हमें सेम मिलेगी एंड बी पॉइंट पर फील्ड हमें वीक मिलेगा तो यहाँ पे ई एक्वल टू ई सी ग्रेटर देन ई बी सो so, बच्चों यहां पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है बच्चों सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल आर गिवन इन द फिगर सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग सो बच्चों यहां पे एक फिगर है फिगर में ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज में से फील्ड लाइन लीव करती है एंड नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइन एंटर करती है तो यहां पे हमें बताना है तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए है देर आर टू क्लोज लूप सो बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाती तो ये गलत है ऑप्शन बी है देर आर थ्री क्लोज लूप ये भी गलत है ऑप्शन सी है दे फॉर्म क्लोज लूप ये क्लोज लूप कभी नहीं बनाएगी एंड ऑप्शन डी है दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है सो so बच्चों यहाँ पे हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का टॉपिक कंप्लीट किया तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ नए जोश के साथ नए एम के साथ तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे ऑल द वेरी बेस्ट